देश में अत्याधुनिक सुविधाओं की कमी से नवजात बच्चों का मृत्यु दर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे रोकने के उद्देश्य से नेल्सन अस्पताल द्वारा 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर फर्स्ट ब्रेथ विश्व परिषद का आयोजन किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन किया। पहली बार सांस लेने पर सबसे पहले शिशु श्वसन मार्ग में अटके फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, इससे उनका श्वसन तंत्र सक्रिय होता है। बच्चे के फेफड़ों और नाक के लिए सांस लेने की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए इस दौरान सांस लेने में कई तकलीफों का सामना नवजात शिशु करता है, तो कई बार उचित साधन एवं ज्ञान न होने से बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। इन सभी चीजों के मद्देनजर एक सक्षम मशीनरी और उचित उपायों को प्राप्त करने के उद्देश्य से नेल्सन अस्पताल द्वारा 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर फर्स्ट ब्रेथ विश्व परिषद का आयोजन सेंटर पॉइंट होटल में किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन किया। गौरतलब है कि गर्भ में भ्रूण को गर्भनाल के जरिए ऑक्सीजन और पोषण प्राप्त होता है। गर्भनाल में भी खून कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने का काम करता है। असल में जन्म के बाद शिशु सांस लेना सीखता है। अधिकतर शिशु डिलीवरी के 10 सेकंड बाद पहली सांस लेते हैं। उनके पहली सांस से हांफने की आवाज आ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके छोटे से फेफड़े उस समय फ्लूइड से भरे होते हैं। पहली बार सांस लेने पर नवजात शिशु उस फ्लूइड को वायु मार्ग से बाहर निकाल देता है, जिससे श्वसन तंत्र साफ हो जाता है और कार्य करने लगता है। लेकिन कई बार प्राकृतिक तंत्र की कमजोरी से यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है और बच्चों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए यह अग्रिम प्रयास नेल्सन द्वारा किया गया, जहां महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत चौधरी ने भी शिरकत की। टुडेज फर्स्ट ब्रेथ कॉन्फ्रेंस इज वन सच अटेम्प्ट इन दैट डायरेक्शन। आई वॉज गोइंग थ्रू द लिस्ट ऑफ साइंटिफिक सेशंस, इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव and deals with multiple important issues related to respiratory resuscitation of neonates and other early respiratory support measures. Today, we are inaugurating two Made in Nagpur medical devices which have the potential to revolutionize the way the neonatal resuscitation is carried out in India. First one is InLife, which aims to be safest, pressure controlled and smallest device for neonatal resuscitation, which is available at a very low cost. And the other one is NeoPAP, which is likely to serve as a comprehensive solution for the respiratory needs of newborn from labor room to the NIC. I congratulate Dr. Dev Pujari, his team, Ujjain Medical College faculty, IIT Mumbai, and all others who have contributed in the development of these two wonderful medical devices. पहली बार माँ बनने पर खुशी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा उलझनी भी रहती है, क्योंकि शिशु के जन्म के बाद ऐसी कई बातें हैं जिन्हें समझने में नई माँ को समय लगता है। शिशु के जन्म के पहले दिन माँ का रोने के साथ साथ हंसने का भी मन करता है। हर माँ शिशु के जन्म के बाद उसके सासों को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है और शिशु के सांस लेने में छोटी सी भी कोई दिक्कत महसूस हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि आपको यह समझना चाहिए कि जन्म के बाद शिशु के लिए बाहर का वातावरण बिल्कुल अलग और नया होता है, जिसके अनुसार ढलने में उसे समय लगता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जरूरी है कि अच्छे उपकरण का उपयोग करें, जिसके चलते डॉक्टर सतीश देव पुजारी ने एक आधुनिक मशीन का निर्माण किया है, जिसका विमोचन भी आज किया गया, जिसके विषय में उन्होंने जानकारी दी है। आज का जो प्रोग्राम है फर्स्ट ब्रेथ, ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि यदि क्राई टाइम पर सही नहीं हुआ तो परमानेंट ब्रेन में डैमेज हो सकता है, लंग्स में डैमेज हो सकता है, आँख में डैमेज हो सकता है। तो अपने देश में ये मॉर्टलिटी बहुत ज़्यादा है और इसको कम करने का ये प्रयास है। ये नेल्सन हॉस्पिटल, उज्जैन मेडिकल कॉलेज, ये दोनों मिलके ऐसा एक एफर्ट है। कई बार आईआईटी बॉम्बे भी हमको इसमें हेल्प करती है और इसकी आइडिया ये है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस करें जो कॉस्ट में कम हो और इफ़ेक्ट में उतने ही अच्छे हो
जो हर जगह अवेलेबल हो, और इस तरह से हमने ये डिवाइसेस किए हैं जो प्रोटोटाइप्स है। आई मीन ये ऐसी चीज़ है जो हम लोग सब मिलके और भी आगे डेवलप करने वाले हैं, और बेसिकली ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। मीन्स किसी को ये डिवाइस करना है तो हम उनको हेल्प करेंगे। सो इसमें वैसा कॉमर्स इन्वॉल्व नहीं है कि हम इनको बना के बेचने वाले हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत है वो अवेलेबल रहेंगे और हम उनको हैंड हेल्ड करेंगे। सो इंडी वाइटल नाम का एक हमारा ग्रुप है, हम लोग नेल्सन हॉस्पिटल के साथ काम करते हैं और मिलके ये प्रोजेक्ट करते हैं। सो ये फर्स्ट बेथ ऐसा एक यूनिक इवेंट आज आप देख रहे हैं। आज आवश्यक की मशीनरी ना होने से नवजात शिशु को प्रथम श्वास योग्य रूप से प्राप्त नहीं होता है और शिशु मृत्यु दर बढ़ रहा है, जिसे रोकने के उद्देश्य से नेल्सन अस्पताल द्वारा 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर फर्स्ट ब्रीथ विश्व परिषद का आयोजन किया गया, जिसके विषय में जानकारी दी है नेल्सन के हेड डॉक्टर सुनील कुमार भगत ने। आज हम लोग नेल्सन हॉस्पिटल के 16वें एनिवर्सरी फंक्शन के हिसाब से ये फर्स्ट ब्रेथ कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फर्स्ट ब्रेथ जो कि एक माँ के लिए उसके बच्चे जो जन्म लेता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आवाज़ या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है फर्स्ट ब्रेथ। तो आज जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि डॉक्टर सतीश देव पुजारी ने जो एक मशीन इन्वेंट किया है, ये इन्वेंशन को आज हम लोग यहाँ जनता के सामने इसे शोकेस कर रहे हैं। एक ऐसे मशीन डेवलप किया गया है जो कि हाईएस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड मेड इन नागपुर, एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर एवरीथिंग इज डन इन नागपुर। और ये रिवोल्यूशन रहने वाला है एक इन्फेंट मॉर्टेलिटी, यानी जो बच्चों का मॉर्टेलिटी जो यहाँ इंडिया में इतना ज़्यादा है उसको कंट्रोल करने में ये एक अहम भूमिका निभाने वाला है। तो आज हम नेल्सन हॉस्पिटल के तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष डेमरी की रिपोर्ट।